सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मुंबई गोवंडी के हशु अडवाणी स्कूल के बाहर रास्ते पर शांत चित्त मुद्रा में बैठे ये लोग ब्रह्म कुमारी घाटकों पर विभाग की ओर से आयोजित पीस ऑन द स्ट्रीट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग कुछ मिनट तक शांति से बैठे रहे, जिनमें स्थानीय पूर्व नगर सेवक बबलू पांचाल भी शामिल थे। आज शांति का संदेश सबको देना है, शांति से, सद्भावना से, सबको भगवान का आशीर्वाद रहता है, पर इंसानियत का आशीर्वाद ये शांति से मिलता है। शांति जहाँ पर रहेगी वहाँ पे विकास होगा, अच्छा काम होगा, अच्छे कामों के ओर बढ़ेंगे, लोगों का ध्यान अच्छा होगा, लोगों का शरीर विकास आरोग्य अच्छा रहेगा। शांति से बैठने से ये संदेश जाता है। ये पूरे मुंबई में आने वाले वक्त में क्या आदमी शांति ढूंढने के लिए बार बार जाता है? अपने घर में ही 2 मिनट शांति, 10 मिनट बैठे तो घर में ही शांति है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। पर शांति को टाइम ही नहीं देंगे, जब शांति मिलेगी ना तो शांति के लिए और किधर भटकना ना पड़े। इसलिए मन शांति करके, मन शांत करके एक जगह पे बैठ के शांति का संदेश दीजिए। आज जो ब्रह्म कुमारी शांति संस्था ने जो कार्यक्रम रखा है उसको बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए कि सेवा तो सब भाषण ये होता ही रहता है, पर शांति का जो संदेश देने वाले हैं ऐसे कम संस्था है जो ऐसा काम करते हैं। इधर कुछ उछल कूद नहीं हो रही है, पर इधर शांति से लोग बैठे हैं, लोगों को संदेश जा रहा है। अरे ये कुछ अलग कार्यक्रम है, ये कुछ शांति का कार्यक्रम है, ये संदेश लोगों को पहुँचाना है, ये अपन पहुँचा रहे। और ब्रह्म कुमारी शांति संस्था ने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, आज तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन है और हम लोग बौद्ध पूर्णिमा मानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। और इस दिन के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ये संस्था ने पीस ऑन स्ट्रीट ये प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे पटवर्धन स्कूल के सामने किया था। और इनका उद्देश्य था कि हम लोग शांति से बैठ के या अपने मन को काबू में रख के शांति का संदेश पूरे विश्व में दे दीजिए। आज हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, हम लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं सुख के पीछे दौड़ने के लिए, लेकिन कोई अपने अंदर की शांति को देखता नहीं और अंदर के इनर हेल्थ जो कहते उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। जो आउटर हेल्थ है इसके लिए लोग एक्सरसाइज करते, लेकिन इनर हेल्थ के लिए कोई प्रयास विशेष कोई करता नहीं। ये संस्था कितने सालों से मैंने देखता है और लोगों की इनर हेल्थ और आंतरिक जो समाधान है शांति के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहती है। और इस अच्छे उद्देश्य के लिए के कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ये जो अगर आदमी खुद उत्थान होता है, खुद ही इसमें होता है तो सोसाइटी को भी लाभ हो जाता है और सोसाइटी में भी पीस और हारमोनी अच्छी तरह से कायम रह सकती है। और ये हमारे लिए भी अच्छा है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है कि सोसाइटी में और समाज में अगर अच्छे लोग और अच्छे वातावरण रहेंगे तो कानून और जुर्म भी कम होता जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये विश्व शांति का एक अनोखा अद्भुत यूनिक कार्यक्रम रचा गया है। ये देश विदेश के अंदर हमारी संस्था करती है, हमारे देश विदेश में 9000 ब्रांचेस है और देश विदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। घाटकोपर ने, भारत देश के अंदर घाटकोपर ने पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया है। करीबन 17 ये 17वां कार्यक्रम गोवंडी में हो रहा है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि देखिए हर मनुष्य के मन के अंदर जितनी चिंता और टेंशन है, अगर वो 2 मिनट के लिए राजयोग की विधि से मन को शांत करेगा तो उसी मन के अंदर अणुशक्ति से भी ज़्यादा साइलेंस की शक्ति है। वो शांति से बैठकर अपने मन के अंदर की छिपी हुई साइलेंस की शक्ति को जनरेट कर सकता है और सारे विश्व के अंदर ये किरणें फैल सकती है और ये बहुत जादुई परिवर्तन मनुष्य के अंदर लाता है। ये संदेश देने का हमारी इच्छा थी, इसीलिए हम यहाँ बैठते। कई लोग आश्रम में आने के लिए संकोच करते, लोगों के पास समय नहीं होता है, तो हमने सोचा
कि जो भी दुनिया में हंगामे होते, रास्ते में आकर लोग हंगामे करते, रायट्स करते, जो भी कुछ करते हैं, सबको अशांति एक्सप्रेस करने का स्थान भी रास्ता है और अशांत होने का स्थान भी रास्ता है। तो क्यों नहीं हम रास्ते में शांति की प्रकंपने फैलावे, तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, जो आध्यात्मिक प्रेमी होंगे, वो किरणों को जरूर कैच करेंगे और यहाँ परमात्म स्मृति की किरणें पड़ने के कारण इस भूमि में वो ताकत आएगी। आज भारत अनादि अविनाशी देश बोला गया, क्यों? क्योंकि परमात्मा का अवतरण भारत में हुआ। सारी दुनिया में उथल-पुथल होगा लेकिन भारत में नहीं होगा। तो इसी प्रकार जिस एरिया में हमने आज बैठकर तपस्या की है, वहाँ की भूमि को भी आज ये विशेष वरदान इतनी सारे तपस्वियों के द्वारा निराकार परमात्मा ज्योति शिव बाबा ने दिया है कि इस भूमि के अंदर पवित्रता की शक्ति भर के हम जा रहे हैं और यही काम हमको सभी को बैठ के करना है। ना धन का खर्चा है, ना समय का खर्चा है, 10-15 मिनट आप शांति का दान सारे विश्व के आत्माओं को देना है, इतना ही दान हम मांग रहे हैं। ये पीस ऑन द स्ट्रीट का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम इस प्रकार से रोड पर आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि हमारे थॉट से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब हम जब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और शांति के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो इससे चारों तरफ वाइब्रेशंस चेंज हो जाता है और इससे लोगों के जीवन में भी शांति प्रदान हो सकती है। तो इसका हमें फैलावा करने के लिए हमें जगह जगह पर जा कर के ये कार्यक्रम करना होता है और वो हम करते भी हैं इसको फैलाने के लिए। हमें कई लोग इसके साथ में जुड़ते हैं हमारे साथ में और बैठते हैं और शांति का अनुभव भी करते हैं और इस पीस ऑन स्ट्रीट के कार्यक्रम से कई लोग हमारे सेवा स्थान तक भी पहुंचते हैं, जो हमारे सेवा केंद्र है, तो वहां पर आकर के वो मेडिटेशन सीखते हैं और जिस मेडिटेशन के द्वारा वो अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मेहमानों सहित मीडिया कर्मियों का भी ब्रह्म कुमारी की ओर से स्वागत किया गया। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।